बीजेपी विधायक संगीत सोम के विवादित बयान के बाद ताजमहल को लेकर छिड़ी जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। सपा नेता आजम खान ने जहां बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि देश से गुलामी की सभी निशानियों को मिटा देना चाहिए, तो वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने ट्वीट कर कहा कि अगर बीजेपी ताज की बात करे तो जनता कामकाज की बात करे। इतना ही नहीं, उन्होंने जय शाह के मुद्दे पर भी चुटकी ली है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक संगीत सोम के ताजमहल पर दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर आजम खान ने नाम लिए बिना कहा कि वो किसी को जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि उन सभी इमारतों को गिरा देना चाहिए जिनसे गद्दार शासकों की बू आती है। सिर्फ ताजमहल ही क्यों, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन, कुतुब मीनार सबको गिरा देना चाहिए। आजम खान यही नहीं रुके, उन्होंने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि छोटे बादशाह से तो हमने पहले ही कहा था कि आप आगे चलो, हम साथ चलेंगे, पहला फावड़ा आपका होगा और दूसरा हमारा होगा, और कहने के बाद कदम पीछे हटा लेना राजनीतिक नपुंसकता है। जारी विवाद में अब लालू यादव भी कूद पड़े हैं। उन्होंने ट्वीट कर अपना पक्ष रखा है। लालू ने अपने अंदाज में लिखा कि वो ताज की बात करे तो तुम कामकाज की बात करना, वो गाय कहे तो तुम आय कहना, वो शाहजहां की बात करे तो तुम जय शाह पर अड़े रहना। डीबी लाइव की रिपोर्ट।